लगा है ब्लॉक दिवस। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जो हमारे पूरे एरिया में गंदो एरिया था आठरे एरिया, यहाँ के जो काउंसिल के मेंबर्स हैं और बीडीसी चेयरपर्सन हैं, उन सभी ने शिरकत की। और चेयरमैन बीडीसी जो हमारे काउंसिल के चेयरमैन हैं और वाइस चेयरपर्सन, उन सभी ने यहाँ पे आके एक सेम फोरम के अंदर सभी रिप्रेजेंटेटिव भी यहीं थे, पब्लिक भी यहीं थी। और जो डिफ़िकल्टीज जो प्रॉब्लम्स लोगों की आएगी, सभी पूरा सुबह से लेकर अभी तक हम सुन रहे थे। और कोशिश की जाएगी जो इमीडिएटली होने वाली है उनका इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई हैं, और जो भी जिस जिस डिपार्टमेंट से पर्टेनिंग होगी उसका टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाएगा और टाइम बाउंड मैनर में जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनका रिड्रेसल किया जाएगा। जी साहब, यहाँ आज जो आपने दरबार, यहाँ कोतवाल साहब जो चेयरमैन हैं डीडीसी, उनका कहना था कि यहाँ मिलिटेंसी का इतना ग्रिप थी कि यहाँ बाहर निकलना बड़ा मुश्किल। आज हम वी हैव जस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सब डिवीजन अथॉरिटी दैट मिलिटेंट ब्रदर एंड फादर हैव होस्टेड फ्लैग इन हिज रेजिडेंस, दिस इज वेरी फॉर्चुनेट फॉर ऑल ऑफ अस। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये इतनी अच्छी चीज़ जो आप बता रहे हैं, इससे अच्छी और यहाँ पे हमारे लिए गर्व की क्या बात होगी कि हमारे एरिया में चैन अमन है, लोग कम्युनल हारमोनी में रह रहे हैं, पूरे थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट में लोग रोड्स पे हैं, सड़कों पे हैं, अलग अलग जगह पे हैं, पूरे एक फेस्टिविटी के साथ हर घर तिरंगा का मना रहे हैं और सभी लोग अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये चीज़ बड़ी एक एग्जेम्पलरी है और हमें बड़ी खुशी है कि सभी लोग हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और इस तरह की ताकतें जो हैं जो हमारे देश को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उसको अकमूत और जवाब दे रहे हैं। वो हमारी जो भी एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, आर्मी हो, बाकी चीज़ें हो, सभी अपना अच्छे तरीके से काम कर रही हैं और हमारे यहाँ इस तरह की कोई ऐसी सिचुएशन। उस घर के लिए क्या मैसेज होगा डी साहब आपका? उस घर के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ और हमें खुशी है उन्होंने एक एग्जांपल सेट की गई और हमारे सभी को एक दिखाया गया कि किस तरीके से देश की रक्षा की जाती है, किस तरीके से देश का सम्मान किया जाता है। तो मेरी तरफ से उनको सल्यूट है। सर, ये 20 दिन से बारिशें कंटिन्यू हैं तो बहुत सारा नुकसान हुआ भदेसा के अंदर फसलों का। हाँ, इस समय उसका कोई जायजा लिया जा रहा? रेनी सीजन चल रहा है तो जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ इंस्ट्रक्शन इशू की गई है। तो इस माध्यम से मैं फिर से एक रीट्रेट करता हूँ कि इमीडिएटली अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो प्रोसेस है पूरी कंप्लीट की जाए। कुछ दूर दराज के एरियाज़ हैं उसमें हो सकता है दिक्कत हो टाइम लेने, लेकिन एक आउटर लिमिट 10 दिन की मैंने दे दी है इनको, उस टाइम तक यहाँ पर सारा कंक्लूड हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी जेन्युइन केसेस हैं जो SDRF और जो हमारे रिलीफ की स्कीम्स है उसके अंदर जो कवर होते हैं उसको टाइमली पेमेंट मिल जाएगी। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।